हेलो, नमस्कार दोस्तों। 28 मार्च 2018 के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में, और कर्नाटका गवर्नमेंट की जो फेडरल सिस्टम की बात है कि भाई स्टेट को भी फेडरल सिस्टम है वो लेके आ जाए, जिस तरीके से यूएसए में वो वाले कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात की गई है। तो हम पूरे आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉलिटिकल पॉइंट भी हैं जिनको हम एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट वो हमें सारा केस वगैरह समझने में काफ़ी हेल्पफुल है वो होंगे। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने आप देखिए आजकल काफ़ी कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम किए हैं। जैसे एक तो नए स्टेट की नए सॉरी झंडे की मांग की थी कि वो कर्नाटका गवर्नमेंट अपना नया झंडा चाहती है, और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी रिक्वेस्ट वो भेजी भी है बाद में प्रस्ताव। तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति दे देगी तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद कर्नाटका है वो पहला सेकेंड मतलब सेकेंड डाटा स्टेट बन जाएगा जिसका अपना अलग से झंडा होगा। इसके बाद में आजकल हमने देखा था कि कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ के मेट्रो सेंस वगैरह में हिंदी लैंग्वेज को हटाया जा रहा है नाम वगैरह को। इसके साथ ही एक बार हमने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल और डिस्कस किया था जिसमें यह पॉइंट भी था कि वहाँ पे जो प्राइवेट जो कंपनियों के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट वो बिल लेके आ रही है कि भाई वहाँ पे भी केवल कन्नड़ लोगों को ही जॉब है वो दी जाए, बाकी स्टेट के लोगों को जॉब ना दी जाए। तो इससे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह सामने आई थी। अब देखो, यहाँ पे बात सामने निकल के आती है कि भाई आखिर कर्नाटका में ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बार बार इस तरीके से अपने आप को एक तरीके से अलग 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 थलग रखने का सारा माहौल है वो क्यों बन रहा है। तो देखो, एक बात ये आती है कि सभी स्टेट वो अपने आपके कल्चरल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। कल्चरल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? कल्चरल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि उनका जो कल्चर वगैरह है ना उनको एक तरीके से स्वायत्तता दी जाए, मतलब अपने धर्म को या अपना जो भी कल्चर है अपनी आइडेंटिटी है उसको आराम से वो असर्ट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि उनको अलग फील हो कि भाई उनकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है। तो अपनी कल्चर के लेकर जो भी उनकी स्वतंत्रता है स्वायत्तता है उसको कंटिन्यू रखा जाए, तो वो आती है कल्चरल ऑटोनॉमी की बात। इसके बाद में आती है सब नेशनलिज्म। देखो, सब नेशनलिज्म का मुद्दा ये है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे इंडिया के अगर कुछ इंडिया के अंदर सभी लोगों में अपने देश के प्रति कोई भावना वो होगी नेशनलिज्म, बट इंडिया के किसी हिस्से के अंदर उस हिस्से के पर्टिकुलर हिस्से की आवाज़ को अगर उठाने के लिए कोई बात उठती है तो उसको बोलते हैं सब नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के मतलब किसी नेशन के अंदर, एक नेशन का जो पार्ट होता है ना सब नेशन, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर बात को अपने आप को तवज्जो दी जाती है उसको कहते हैं सब नेशनलिज्म। जिस तरीके से आप हमारे देश में जब एग्जाम्पल ले सकते हो कर्नाटक का, कि हमारे देश का नेशनलिज्म बिल्कुल से कोई डाउट नहीं है, बट हमारे देश का एक हिस्सा क्या हो गया कर्नाटका, और उस कर्नाटका के अगर हिस्से के अंदर अभी कर्नाटक अपने आप के लिए अगर नेशनलिज्म की भावना या कर्नाटक स्टेट के लिए अगर राष्ट्रीय जन की भावना सामने निकल के आ रही है, मतलब कर्नाटका के बारे में अगर किसी लोग हैं वो अपने अब इसने स्टेट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आ गई कि भाई सब नेशनलिज्म को वहाँ पर प्रमोट हो किया जा रहा है। तो राइटर का यहाँ पर यह कहना है कि देखो, सभी लोगों का अपनी राइट है, सभी लोगों का अपना हक है कि भाई वो अपनी कल्चर की ऑटोनॉमी की मांग कर सकते हैं और वो होनी भी चाहिए। इसके बाद में आती है सब नेशनलिज्म भी। देखो, कहीं ना कहीं राइटर का ऐसा कहना है कि अच्छा है सब नेशनलिज्म से कोई भी देश वो डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि देखो हमारे देश में काफ़ी धर्म है, काफ़ी जाति समुदाय रहते हैं, तो विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो अगर वो अपने ही धर्म को अगर तवज्जो देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने धर्म को अपनी अपनी अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज देते हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बस बात यहाँ पर राइटर का यह कहना है कि देखो, अपने देश का कोई भी इंटरेस्ट है वो हट नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि हमारे देश का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में सारी चीज़ें हमें आगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्रमबद्ध सिक्वेंस में रखनी है। अब देखो, यहाँ पे कुछ इश्यूज ये आ रहे हैं कि कर्नाटका में आखिर ऐसा ये सब हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो आ रहा है इलेक्शन। कि हाँ भाई, इलेक्शन को भी आप कुछ हद तक मान सकते हो कि देखो इलेक्शन में सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो अपने अपने जीतने के लिए अपने कोई अपने दांव पे चाहे खेलती रहती हैं, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पे सामने लाया जा रहा है कि वहाँ पे भी रिसेंटली कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम वगैरह चला रही है, इस तरीके का काम कर रही है ताकि वहाँ के लोग खुश हो जाएँ और वो उन्हें लगे कि भाई कर्नाटका को इंडिया के अंदर अलग अलग सी वैल्यू दी जा रही है, कर्नाटका अपने बहुत अलग थलग काम कर रहा है, तो क्यों ना हम कांग्रेस को वापस ले जाएँ। तो वो सारा पॉलिटिकल पॉइंट आता है। बट देखो, हम बता दूं कि पॉलिटिकल पॉइंट हम एग्जाम में यूज़ तो नहीं कर सकते, बट हमें जो सीन वगैरह समझने के लिए काफ़ी समझ में वो यहाँ पे हेल्पफुल है वो हो जाते हैं। अभी देखो, इश्यूज़ क्या है हमारे देश में मेनली, अभी हमारे देश में दो तरह इश्यूज सबसे बड़े आ रहे हैं। एक तो आ रहा है नॉन हिंदी स्टेट और हिंदी स्टेट के बीच में, कि नॉन हिंदी स्टेट है वो हिंदी स्टेट से काफ़ी हेट का घृणा करने लग गए हैं, जिसकी उसे काफ़ी आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इवन हमने देखा था कि तमिलनाडु के अंदर हिंदी जब लैंग्वेज को वहाँ पे कंपलसरी मतलब हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पे कंटिन्यू रखने की बात की गई स्कूलिंग में, तो भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। तो हिंदी लैंग्वेज को लेकर नॉन हिंदी स्टेट में आपस में डिफ्रेंसेज होते हैं। इसके बाद में बात आती है कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन के बीच में, क्योंकि देखो आज के टाइम पे कुछ स्टेट हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप की सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब स्टेट के पास ऑटोनॉमी नाम की चीज़ बची नहीं है, सारी जो पावर है मैन वो सारी पावर तो सेंट्रल के पास चली गई है, तो स्टेट के पास तो कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल अपनी पावर का मिस यूज़ करता जा रहा है और अपनी पावर को लगातार असर्ट कर रहा है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा वो नहीं हो रहा है।
ये तो आगे दो मेन बड़े इश्यू। इसके बाद में बात यह देखिए, वो तमिलनाडु में बार बार कल्चरल ऑटोनॉमी की मांग हो उठती रही है। इवन जब से हमने जल्लीकट्टू का केस देखा था, तब भी किस तरीके से हमने देखा था कि पूरे तमिलनाडु में मास मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने अपने अपने ग्रुप वगैरह अपने अपने समुदाय की आवाज़ें सामने उठाना शुरू कर दिया था। तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई कल्चरल ऑटोनॉमी की मांग तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि तमिलनाडु हम मनली साउथ इंडिया का एक हब के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि साउथ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मनली तमिलनाडु के नाम से ही रिप्रेजेंट है वो किया जाता है। इसके बाद में आती है कि देखो जो स्टेट एम्बल्स जो स्टेट का प्रतीक होता है ना, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का स्तंभ है सारनाथ, सेम उसी तरीके जो स्टेट एम्बल्स है उसमें भी एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दी जा रही है। वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी जो स्टेट का प्रतीक बनाया जा रहा था उसमें हिंदी लैंग्वेज को नहीं रखा गया था। तो वो साथ भी काफ़ी सारे इशूज आते हैं, मतलब एंटी हिंदी माहौल है वो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, जो कहीं ना कहीं जो हिंदी वाले देश हैं, हिंदी वाले जो स्टेट हैं उनके उनको एक्चुअली आपस में बुरा फील हो रहा है, उसकी वजह से हमारे देश में माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का बनता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि देखो वोट बैंक के चक्कर में सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, इसीलिए वहाँ पे ये सारे गेम वगैरह सारे काम हथकंडे वो अपनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि देखो वोटर जो पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि वोटर की जो रीजनल आइडेंटिटी है ना उसके आधार पर डिवाइड करते हैं। देखो आपको सीधा सा एग्जाम्पल जो अभी करंट में जो बता दूँ उसके आधार पर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेनली केवल एग्जाम्पल के तौर पर आप बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जो जानते हो कि बीजेपी है उसमें मैक्सिमम है वो हिंदू सपोर्टर, मतलब 80-90% के आसपास वो हिंदू सपोर्टर है। आपको पता है कि कर्नाटका में अभी रिसेंटली है कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो एक्चुअली उन दोनों को ऐसा, फिर बीजेपी चाहती है कि भाई कर्नाटका में भी उनकी गवर्नमेंट बने और कांग्रेस चाहती है कि भाई कर्नाटका के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और बाकी एरिया में भी उनकी गवर्नमेंट हो। तो इस तरीके से वो अपने दांव पे खेलते हैं। और बीजेपी है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते कि हाँ भाई हम हिंदू धर्म को सपोर्ट करें तो हिंदू वाले सब लोग हमें वोट दो। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि लास्ट ईयर जब यूपी में इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर बीजेपी ने राम मंदिर, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं केवल आपको यहाँ पे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप एग्जाम में इन पॉइंट्स वगैरह यूज हो उन मत करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरीके के यूज करना काफी कॉन्ट्रोवर्सी और अच्छी बात नहीं है, बस कि केवल हमें सारा सीनेरियो समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हेल्प हुए हो जाते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर का इशू कोई भी किसी भी इशूज के नाम पे वोट है वो इनडायरेक्टली मांगे गए थे, तो उसका मतलब क्या था कि भाई हिंदू धर्म को काफी मतलब सपोर्ट दिया जाएगा बाकी और धर्मों का, वो सारा इशू था। तो बात ही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के इनडायरेक्टली तरीके में किसी ने कुछ ऐसा काम करते हैं कि भाई उस धर्म के लोगों को या उस आइडेंटिटी को अच्छा लगे कि हाँ यार ये पार्टी तो हमारे लिए अच्छा काम करे, क्यों ना हम इसको वोट दें। तो वो सारा हो गया वोट बैंक के चक्कर में क्या पॉलिटिकल पार्टियां कुछ और ऐसा करती हैं, इसीलिए सारा माहौल ऐसा हो रहा है। इसके बाद में देखो आती है कि स्टेट की आजकल मांग ऐसे उठ रही है कि भाई फेडरेशन ऑफ स्टेट, अभी क्या है भाई फेडरेशन ऑफ स्टेट की मांग, ये देखते हैं। देखो जिस तरीके से क्या सीन है, हम एग्जांपल लेते हैं यूएस का और इंडिया का, दोनों में समझ में आ जाएगा। यूएसए में ये सीन है कि जब भी जो स्टेट है ना वहाँ पे 50 स्टेट है, तो सभी 50 स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी 50 स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है। बस वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गिनी चुनी 4-5 पावर है, जैसे कि डिफेंस का सेक्टर होगा, इसके बाद में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होगा कम्युनिकेशन वाला, इस तरीके से 3-4 जो मेन मेन सेक्टर हैं वो केवल डिफेंस के साथ हैं, बाकी सारे सेक्टर हैं सभी स्टेट में डिवाइड हैं। जबकि हमारे देश में सिस्टम क्या है कि स्टेट के पास तो बहुत कम सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम जो मेन मेन सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो तो सारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। मतलब हमारे देश में क्या है कि सेंटर की पावर वो ज़्यादा है और स्टेट है स्टेट की पावर है काफ़ी कम, जबकि यूएसए में क्या है कि स्टेट की पावर काफ़ी ज़्यादा है, सेंट्रल के पास तो बिल्कुल गिनी चुनी ही पावर है। तो वही बात यहाँ पे स्टेट कुछ इंडिया में स्टेट मांग करें कि भाई यहाँ पे स्टेट को ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए और स्टेट के पावर स्टेट के पास पावर हो होनी चाहिए सेंटर की, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी वगैरह को असर्ट कर सकें और सब नेशनल वगैरह से कोई नुकसान है वो नहीं होने वाला है, और स्टेट को भी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम मतलब बढ़ना चाहिए, काफी अच्छी बात है जिससे फायदा भी होने वाला है। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होने का इश्यू है, उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप में ये भी आता है कि देखो हमारे देश में काफ़ी धर्म जाति समुदाय रहते हैं और स्टेट है हमारे देश में ऐसा नहीं कि फिक्स है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि किसी भी स्टेट को तोड़ के नया स्टेट वगैरह बनाया जा सकता है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्टेट फिक्स हैं कि 50 स्टेट तो वहाँ पर 50 ही रहने वाले हैं, जबकि इंडिया में क्या है आज 28 हैं आज 29 हैं तो कल 30 हो जाएंगे कि 31 हो जाएंगे, तो वाला सीन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी जो पावर है उसी के पास होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, अगर धर्म सभी स्टेटों को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने लग गए तो सभी स्टेट आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने लग जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश की आइडेंटिटी को नुकसान हो सकता है। और इन सब चीज़ों से देखो सबसे ज़्यादा नुकसान है ना केवल वोट बैंक पार्टियाँ तो क्या करती हैं, केवल इलेक्शन के लिए करती हैं, मतलब 5-6 महीनों के लिए, बट वो बात क्या है कि लोगों के दिमाग में दिल और जहन में बैठ जाती है और फिर उसी बात का एक्चुअली कुछ और लोग हैं जो है समाज तो है वो फ़ायदा उठाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को और हमारे देश को डिवाइड करते हैं। तो वो हमारे देश की डेमोक्रेसी और हमारे देश के सभी लोगों की और सोसाइटी के लिए किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे कंप्लीट पॉइंट थे इस आर्टिकल में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इस आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया गया, वो किया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको गवर्नमेंट ने भी 2020 तक आगे कंटिन्यू रख दिया है। अदरवाइज ये स्कीम थी, ये 2017 के एंड तक, दिसंबर 2017 को खत्म होनी थी। तो RUSA के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या है स्कीम का सारा मेंस है। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, ये हमें ध्यान रखना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई स्टेट है अपनी, स्टेट जो है, सॉरी जो स्टेट है वो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हायर एजुकेशन की कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में, उनमें जिस तरीके के रिफॉर्म लेके आएंगे, जितने ज़्यादा रिफॉर्म लेके आएंगे उनके आधार पे उनको उतनी फंडिंग मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उसके आधार पर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी अच्छी फंडिंग देगी ताकि वो और ज़्यादा ग्रोथ वो कर सकें। मतलब पहले स्टेट को थोड़े बहुत रिफॉर्म लाने होंगे, उसके बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड देगी, तो फिर और रिफॉर्म लाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको और फंडिंग देगी। तो सीधी से बात क्या हुआ कि हमारे देश में एजुकेशन या हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना, उसको इंप्रूव करने के लिए सारे थाम दाम दंड भेद है वो किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मतलब क्वालिटी की हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो आजकल बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी है ना, वो आजकल काफ़ी गिरती जा रही है, क्वालिटी का स्तर है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई क्वालिटी का जो स्तर है ना, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और इसी के लिए गवर्नमेंट इस तरह के प्रावधान स्कीम वगैरह लेके आई है। तो राइटर का यह कहना है कि भाई जो RUSA स्कीम है ना, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वाली, स्कीम बहुत अच्छी है। और इसमें काफ़ी अच्छी बात यह है कि इसमें जो स्टेट है ना, उनको मौका दिया गया कि भाई वो अपने अपने जो स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं, उनको आगे लेके आ सकते हैं अगर वो चाहें तो। अब देखो बात क्या होती है, हमारे देश में जो मैक्सिमम जो फंडिंग वगैरह होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो दी जाती है प्राइमरी इंस्टीट्यूट को। प्राइमरी इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, IIT होगी, IISc होगी, NITs वगैरह, जो टॉप कॉलेजेस होगी ना इनकी, मतलब जो गवर्नमेंट की खुद की टॉप कॉलेज हैं उनकी बात की जा रही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो टॉप कॉलेजेस होती हैं ना, प्राइमरी जिनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोला जाता है, इनके अंदर जो है केवल हमारे देश के 6% यूथ ही पढ़ते हैं। मतलब ये जो टॉप कॉलेज हैं ये तो हैं गिनी चुनी, जैसे 15-20 कॉलेज हैं अप्रोक्सीमेट, और जबकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हमारे देश के 6%। तो मतलब इनको तो फंडिंग मिले ज़्यादा, तो क्या हुआ इसका फायदा, तो इसका मतलब साफ यही हुआ ना कि भाई फंडिंग तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट को ज्यादा मिल रही है जबकि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कम। तो मतलब सभी बच्चों को इसका लाभ प्रॉपर नहीं मिला, बाकी 94% यूथ का क्या हुआ भाई, उनको तो फंडिंग वगैरह बहुत कम मिली है क्योंकि गवर्नमेंट है वो और इंस्टीट्यूट वगैरह को तो इतनी फंडिंग वगैरह दे नहीं रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे बात की जा सकती है कि भाई UGC भी फंडिंग देती है। तो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो फंडिंग तो देता है, बट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो फंडिंग है वो लिमिटेड होती है, और उसमें भी कई बार पार्शियलिटी का आरोप लगता है कि भाई वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव वगैरह करती है। इसके साथ ही देखो बात यह आती है कि किस किस आधार पर जो फंडिंग है वो दी जाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म को देख के फंडिंग है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ भी आप अच्छा काम करो, थोड़ा इस तरीके के लोग पैसे दे रहे हैं और थोड़ा ऐसे ऐसे काम करना है। देखो एक तो लर्निंग आउटकम देखा जाएगा कि भाई किस तरीके की वहाँ पे टीचिंग हो रही है उसको, पढ़ाई वगैरह को। इसके बाद में उस कॉलेज का उस जो इंस्टीट्यूट है उसका गवर्नेंस कैसा है, वहाँ पे प्रशासन कैसा है। इसके साथ ही वहाँ का लर्निंग आउटकम पे काफ़ी फोकस किया जाएगा कि भाई वहाँ का आउटकम क्या आ रहा है, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ों को देखा जाएगा, बच्चों को नॉलेज वगैरह कैसा हो रहा है। इसके साथ ही देखा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो भी कॉलेज है इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाएगा। इसके साथ ही टीचर्स की क्वालिटी देखी जाएगी और टीचर्स का स्टाफ और टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो भी देखा जाएगा। इन सारे कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्चुअली रिफॉर्म करेगी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी कि हाँ भाई आप ये लीजिए पैसा और आप और भी अच्छा काम हो कीजिए। अब देखो बात ऐसी है कि आज हमारा देश है वो लगातार आगे ग्रोथ करने की अग्रसर, मतलब प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है, तो ऐसे माहौल में क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे 2020 तक कंटिन्यू रखा है। देखो स्टार्टिंग में जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था इसकी फंडिंग थी वो थी 500 करोड़ के आसपास, बट अभी इसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ के आसपास कर दिया बढ़ा के। तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट खुद चाह रही है और गवर्नमेंट को पता भी चल रहा है कि भाई इसका आउटकम है या इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके बाद में बात आती है कि देखो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बात, कि देखो बात ऐसी की जा रही है मतलब स्टेट सेंट्रल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई सभी स्टेट है ना वो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का निर्माण करें। अब आखिर ये स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का काम क्या करेगा, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का काम ही होगा कि यह क्या है छोटे छोटे प्लान वगैरह बनाएगा, मतलब एक तरीके से अपना विजन वगैरह सब कुछ क्लियर रखेगा कि हाँ भाई जैसे हमें 5 साल के प्लान बना लिए, 10 साल के, 15 साल के, जो भी अपने प्लान बना लिए, एक विजन अपना ध्येय बना लेंगे कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है, हमें पहले साल ही रिफॉर्म लाने हैं, दूसरे साल ही रिफॉर्म लाने हैं, इसके लिए हमें ऐसा काम करना है, एक तरीके से पूरा रोड मैप ढांचा वगैरह जो वेन डायग्राम सब कुछ बना के कंप्लीट कर लें कि ऐसे ऐसे हमें सारा काम करना है। तो वो होगा सेंट्रल हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा इसका काम है वो किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सारे रिफॉर्म वगैरह वो लाए जाएंगे। अब बात की आती है कि यूनिवर्सिटी की, देखो हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी रिसर्च कमेटी वगैरह होनी चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह होते हैं उनके रिफॉर्म के लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप वगैरह उठाए, उसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को लगे कि यार किसी
खास आदमी या किसी पर्टिकुलर इंसान को इसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब फायदे वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्वालिटी को फोकस वो करना है हमें। तो ये जब स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के रिफॉर्म लेके आएंगे, मतलब ये SHEAC का जो काउंसिल है इसका निर्माण करेंगी, या फिर जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी वगैरह बनाएंगी, अगर इस तरह के रिफॉर्म ला रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग देगी और ऑटोनॉमी वगैरह की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑटोनॉमी वगैरह तो दे देगी चलो स्टेट गवर्नमेंट, बट सबसे बड़ी बात आती है कि मॉनिटरिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इनको पैसे वैसे भी दे दे बस ठीक है, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही है और स्टेट गवर्नमेंट का काम भी बनता है कि भाई वो मॉनिटरिंग करे, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं हमारे देश में उनकी मॉनिटरिंग टाइम टाइम होनी चाहिए, देखना उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह जाँच होनी चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा सही ग्राउंड लेवल पर, क्या क्या कमी आ रही है, कहीं कोई भ्रष्टाचार या कोई गफला वगैरह तो नहीं हो रहा है। लास्ट में कॉन्क्लूजन में यही कहा जा रहा है कि देखो हमारे देश में पॉलिसी वगैरह बहुत आती हैं, बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है, बट दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है उनको लागू करने में कहीं ना कोई चूक हो जाती है। तो इस बार हमें जो लागू करने का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है ना उसमें कोई कमी नहीं आती, और पॉलिसी तो सभी अच्छी हैं बट उनमें हमें प्रॉपर ढंग से काम करना है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिक्योर करनी है, और जो करप्शन वगैरह जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें कम करनी है, तभी इसका आउटकम है RUSA स्कीम का वो बहुत अच्छा मिलने वाला है और गवर्नमेंट को उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, और यूथ को भी इससे फायदा है वो हो रहा है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है रसिया के बारे में। इस आर्टिकल में लिए क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठा गया है कि भाई क्या रसिया है वो रोग नेशन बन गया है? रोग नेशन का मतलब होता है दुष्ट देश, मतलब दुष्ट राष्ट्र है वो बन गया क्या? अब आपके दिमाग में होगा भाई दुष्ट राष्ट्र कैसे होते हैं, राष्ट्र तो राष्ट्र होता है कोई भी देश होता है, वो दुष्ट राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? देखो दुष्ट राष्ट्र की वैसे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, जैसे कि सेल कंपनी की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, कोई क्लियर प्रावधान है, सेम उसी तरीके से रोग नेशन की भी कोई क्लियर परिभाषा नहीं है कि दुष्ट राष्ट्र कौन सा होता है, बट दुष्ट राष्ट्र को ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्र होता है जो भी इंटरनेशनल कानून वगैरह को है, जो भी इंटरनेशनल लॉ होते हैं ना उनको नहीं मानता किसी भी कंट्री वगैरह, मतलब सिर्फ अपनी मनमर्जी करता है। जिस तरीके का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्थ कोरिया का, कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं वो किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं, उन्हें किसी की भी कोई लेना देना नहीं है कोई भी रूल वगैरह का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो वो एक तरीके से दुष्ट स्टेट की काउंट लिस्ट में आते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भाई क्या रसिया भी इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है, तो राइटर हैं वो हाँ और ना के बीच के अंदर अटके हुए, इधर हाँ है और इधर ना है, तो राइटर यहाँ बीच में रास्ते में खड़े हैं। राइटर कहते हैं हाँ भी है और ना भी है, तो राइटर खुद भी कन्फ्यूज है। देखो कौन से ऐसे आरोप लगते हैं अभी रसिया के ऊपर, एक बार हमको थोड़ा सीन बता दूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली रसिया के कुछ जासूस थे, दो जासूस थे मैंने, वो एक्चुअली UK में थे और उन्होंने क्या कि रसिया के खिलाफ रसिया के लिए जो जासूसी वगैरह स्पाई का काम है वो छोड़ दिया था और UK में थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा आरोप लगा कि उनकी हत्या वो रसिया ने किया, क्योंकि रसिया ने उनके जो हत्या के बाद में अगर रसिया पर आरोप लगा तो उस टाइम पर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट वगैरह नहीं जारी किया, तो उसे साफ साफ पता चला कि भाई उन्होंने हत्या करवाई है। इसके बाद में और भी काफ़ी सारे सबूत थे तो वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही बात कि USA के इलेक्शन में भी देखो काफी बड़ा मामला आया था, ये तो आज हम डेली डिस्कस ही कर रहे हैं कि USA के इलेक्शन में ट्रंप को जितना भी काफी हेल्प करने की बात है कि भाई जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं वो चाहते थे कि अगर ट्रंप की सत्ता वहां पे आएगी तो हो सकता है कि जो रशिया को भी फायदा हो जाए उस चीज से, तो इसलिए उन्होंने USA के इलेक्शन में कोई जो भेदभाव वगैरह जो भी कुछ गलती मतलब एक तरीके से हस्तक्षेप वगैरह किया था। इसके बाद में बात आती है कि कई बार आरोप लगता है रसिया के ऊपर कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है रसिया, वेपन्स वगैरह दे रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में शांति नहीं आ रही है, तो ये सारा मुद्दा था। इसके बाद में बात आती है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी बाकी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने USA ने UN ने सेंक्शन तो लगा दिए थे, बट जो रसिया साहब थे वो वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के साथ, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी दिक्कत होनी और नॉर्थ कोरिया पर सेंक्शन का कोई भी रिजल्ट वो नहीं आया था। तो मतलब बात यह है कि रसिया के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि भाई वो इंटरनेशनल लॉ वगैरह को कानून वगैरह को फॉलो वो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हमें स्टेप वगैरह उठानी चाहिए। देखो लास्ट में कॉन्क्लूजन में यहाँ पे सीधी सीधी एक ही बात की जा रही है कि इस चीज़ का समाधान है वो केवल और केवल बातचीत के द्वारा ही संभव है और कोई सोल्यूशन नहीं है। जो पुतिन साहब हैं या ट्रंप साहब हैं उन दोनों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं उन दोनों को आपस में बातचीत के द्वारा ही समाधान किया सकते हैं। इवन UK के बीच में भी काफ़ी आरोप लगे हैं कि भाई जो ब्रेग्जिट हुआ था उसमें भी एक्चुअली रसिया ने हस्तक्षेप वो किया था। तो देखो इन सारे आरोप प्रत्यारोप की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, अभी आपको ये बता रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि आपस में बैठ के बातचीत की जाए और जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो लेके निकाला जाए, क्योंकि बातचीत के द्वारा और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि उससे आप समाधान निकाल सकते हो, क्योंकि रशिया कोई इतनी वीक कमजोर कंट्री भी नहीं है कि उसके पास वेपन्स वगैरह नहीं है तो आप उसे लड़ाई में भी नहीं जीत सको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप लड़ाई करके कुछ फायदा मिलने वाला है, तो समाधान केवल और केवल बातचीत से ही होने वाला है। लास्ट का जो आर्टिकल हुआ है रोमिला थापर के बारे में, जिन्होंने आपको आई होप हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी नाम सुना होगा आपने,
तो अब चलते हैं इनके राइटर के इनके जो आज इंटरव्यू में क्या पॉइंट है। इनके रोमिला थापर के जो इंटरव्यू है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इनके इंटरव्यू में मेनली ये बात आई है कि भाई कुछ लोगों ने एक्चुअली कुछ समुदाय ने हमारे देश में कुछ कम्युनिटी मान लो कुछ भी लोगों ने कि भाई उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो संविधान है उसके प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म का जो शब्द है ना इसको हटा दिया जाए, मतलब धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको हटाने की बात है वो की जाती है। तो रोमिला थापर का ऐसा कहना है, इनका जो तर्क है वो बहुत अच्छा है, इस तर्क को आप यूज कर सकते हो, बस इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। रोमिला थापर साहब का ये कहना है कि भाई देखो कोई भी धर्म होती है ना उसको एक्स्ट्रा पावर नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे सेकुलरिज्म वर्ड है या धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा देश है वो पर्टिकुलर किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही किसी स्पेशल धर्म के लिए कोई मतलब कोई भी धर्म के लिए अलग से ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई उस धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही हो और ना ही किसी धर्म के विरोध काउंटर में काम हो करने वाला है। मतलब बात क्या है कि सोसाइटी की जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे देश में, ये हमारे संविधान की बात नहीं है, संविधान से पहले ही हमारे देश में सोसाइटी में था, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ही कॉन्सेप्ट है कि धर्मनिरपेक्षता, कि भाई सभी धर्मों का आदर करो, कि दूसरे धर्म का अनादर मत करो। क्योंकि देखो कोई भी धर्म आपको कभी नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के अनादर करो, धर्म ये कहता है कि भाई आप अपने धर्म को वैल्यू दो, बट वैल्यू देने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे धर्म को विरोध करो, दूसरे धर्म को गाली दो, कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कि दूसरे की भावना को आहत मिले। तो यही बात की जा रही है कि जो जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ना, तो धर्मनिरपेक्षता का ये वर्ड हमारी सोसाइटी में पहले से ही था, संविधान में तो बाद में डाला गया, तो इसलिए आप इस चीज़ को हटाने की बात वो नहीं कह सकते, क्योंकि जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ना वो हमारी सोसाइटी और हमारे संविधान में एक इक्वल राइट देने की बात करता है, तो इसलिए इक्वलिटी के लिए काफ़ी हम हो जाता है वर्ड, तो हमें इस वर्ड पर फोकस है वो करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और जो पीडीएफ आपको बता दूं, सॉरी कि वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक में मिल जाएगी। कल की पीडीएफ थी वो मैं एक्चुअली अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी निकलना था, तो आज मैंने वो पीडीएफ अपलोड कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इवन जो प्रीलिम्स अपडेटर वाला वीडियो था उसके अंदर भी नीचे लिंक है, उसमें मैंने वो वीडियो लिंक है और अपलोड कर दिया था।